स्टैंडर्ड 7th मैथ्स प्रैक्टिस सेट 28। तो फिर आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे डिवीजन ऑफ इंडाइसिस विद द सेम बेस। हमने प्रैक्टिस सेट 27 में मल्टीप्लिकेशन देखा था सेम बेस के साथ। सेम बेस मतलब ये वाला नंबर सेम, जैसे इसमें 6 सेम है, इसमें -2 सेम है। तो फिर फर्स्ट एग्जांपल है 6^4 डिवाइडेड बाय 6^2। मतलब 6 को 4 बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1, 2, 3, 4 अपॉन, हमको डिवाइड करना है मतलब ऐसे अब डिवाइडेड बाय 6^2। 2 मतलब 6 को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसमें से हम लोग इधर से 2 बारी 2 काट सकते हैं और ऊपर से भी 2 बारी 6 काट सकते हैं हम लोग ऊपर और नीचे से। फिर इसमें बचेगा 6 × 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6^2। तो फिर इसके लिए देयरफॉर 6^4 डिवाइडेड बाय 6^2 इज इक्वल्स टू 6^4 − 2। मतलब हमने जो भी ऐसे करके सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आया 6^2। और अगर हम लोग 4 − 2 करते तो भी हमारा आंसर 2 ही आता। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, −2^5 डिवाइडेड बाय −2^3। मतलब −2 को 4 बारी मल्टीप्लाई करना है, 3, 4, 5 अपॉन, और इधर −2 को 3 बारी, −2, 1, 2, 3। फिर इसमें से हम लोग नीचे से 3 × 2 काट सकते हैं, 1, 2, 3, और ऊपर से भी 3 बारी काट सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा −2 × −2 − 2 × −2। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं −2^2। और अगर हम लोग 5 − 3 करते तो भी हमारा आंसर आता −2^2। इसके लिए इसमें भी एक फॉर्मूला है कि a^m डिवाइडेड बाय a^n। तो इसमें फॉर्मूला होगी, मैं इधर लिखी बताती हूँ, a^m डिवाइडेड बाय a^n। तो फॉर्मूला होगी a^m − n। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें एक और रूल भी है, a^0 का मीनिंग होता है 1। a^0 = 1। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है सिंप्लीफाई, उसका फर्स्ट सम a^6, फर्स्ट सम है ये a^6 डिवाइडेड बाय a^4। हमको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू नहीं निकालनी है। तो फिर इसमें हम लोग वो वाली फार्मूला यूज़ करेंगे, a^m डिवाइडेड बाय a^n इज इक्वल्स टू a^m − n। ये वाली फार्मूला। तो फिर a = a^6 − 4। तो फिर हमारा आंसर आएगा, 6 − 4 होता है 2। तो हमारा आंसर आएगा a^2। हमको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, फाइंड नहीं करनी वाली। सेकेंड क्वेश्चन है m^5 डिवाइडेड बाय m^8। तो फिर हम लोग लिखेंगे m^5 − 8। तो हमारा आंसर आएगा m^2 − 3। −3 आएगा क्योंकि +5 − 8, +−8 − 5 होता है 3, और यहाँ पे माइनस बड़ा है, तो फिर −8 बड़ा है, तो फिर माइनस की साइन। थर्ड क्वेश्चन, है p^3 डिवाइडेड बाय p^13।
और अगर हमारा इधर इंडेक्स हमारा माइनस में है, माइनस थ्री है, तो फिर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1/m^3। अगर हमारा इंडेक्स माइनस में आता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसमें भी हमारा इंडेक्स माइनस में आएगा, p^3 - 13 = p^-10। तो हमारा आंसर आएगा 1/p^10। फोर्थ सम है x^10। फोर्थ सम x^10 / x^10। तो फिर इसमें x^10 - 10 होता है 0, इसलिए x^0। और हमने अभी इधर देखा, अगर ऐसे कोई भी नंबर है √0 है तो फिर उसका मीनिंग होगा 1। इसके लिए इसका मतलब, इसका अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x^0। और x^0 = 1। तो हमारा फोर्थ सम का आंसर आएगा 1। बी सेकेंड, फाइंड द वैल्यू। अभी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है -7/12 -7/12 तो फिर इसमें -7, अगर हमको सिंपली पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर वैल्यू निकालेंगे, तो -7/12 - 12 -7/0। फिर कोई भी नंबर और उसकी वैल्यू, अगर √0 है इंडेक्स, तो फिर इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू होगा 1। सेकेंड क्वेश्चन है (7/5)/(7/3). तो फिर हमारा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/5 - 3 (7/2). अभी हमको इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो फिर 7 × 7 (7/2) मतलब 7 को दो बार ही मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 7 का होता है 49, तो सेकेंड वाले सम का वैल्यू है 49। थर्ड क्वेश्चन है 4/5/3 / 4/5/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 - 2 होता है 1। मैं ऐसे माइनस लिख के नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ फोरली बोल देती हूँ। 4/5 - 3 - 4/5 (3 - 2) 3 - 2 1 होता है। तो फिर 4/5 - 1 का मतलब कि 4/5 को हमको एक किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब कितनी भी बार और मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हमारी वैल्यू होगी 4/5। इसमें ये हमारी वैल्यू थी, और इसमें सेकेंड सम में 49। फोर्थ सम है 4/7 / 4/5 (7 - 5) 2। तो फिर हमारा आंसर आएगा 4/2। इसका मतलब हमको 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4 हमारा आंसर आएगा 16। तो फिर इसका वैल्यू है 16। हमने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 29 देखेंगे। थैंक यू।